मैं एक यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ टर्नरी ऑपरेटर ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि टर्नरी ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने बताया कि हाँ टर्नरी ऑपरेटर। अच्छा, ES6 के अंदर जो है वो टर्नरी ऑपरेटर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया, बट वो मैंने ES6 क्यों लिखा है वो आप सब लोगों को पता है। अच्छा, जो टर्नरी ऑपरेटर होता है ना, ये मैं क्या कर रहा हूँ, किसी और फाइल में मैं चेंजेस करने लग गया था। टर्नरी ऑपरेटर ना बिल्कुल इफ एल्स की तरह होता है, लेकिन इफ एल्स में और टर्नरी ऑपरेटर में एक छोटा सा डिफरेंस है। अच्छा, वो डिफरेंस ये है कि इफ एल्स जो है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इफ एल्स जो है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। जब मैं लगाता हूँ ना इफ, और मैं कहता हूँ कि ये कंडीशन है, अच्छा तो वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो इफ की बॉडी में जो कोड होता है ना उसको रन कर देता है, लेकिन रिटर्न नहीं कर रहा कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ रिटर्न नहीं करता जिसको मैं वेरिएबल में पकड़ दूँ, है ना। मिसाल के तौर पे, अब मगर अगर मिसाल के तौर पे ना मुझे ये लगाना है कि इज़ ओपन अगर ट्रू है तो मुझे इसको एक सेंटेंस के तौर पर बना के देना है कि जी गेट इज़ ओपन, ऐसे करके मुझे एक सेंटेंस बना के और स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। अच्छा, तो मैं कंडीशनली वो एक सेंटेंस जनरेट करना चाह रहा हूँ कि जी अगर तो यहाँ पे ट्रू है तो गेट इज़ ओपन कर दूँ, अगर यहाँ पे फॉल्स है तो गेट इज़ क्लोज, ऐसे करके बता दूंगा, या कोई और फैंसी जुमला हो सकता है, या ये दो तीन अलग अलग वैल्यूज़ भी हो सकती हैं कि जी अच्छा ओपन और लॉक दो वैल्यू हो सकती है कि अच्छा जी गेट इज़ क्लोज बट अनलॉक्ड, ऐसे करके। ठीक है, तो पहले सिर्फ ओपन से करते हैं फिर हम इसको दो वेरिएबल पर करेंगे। तो अगर मुझे ये काम करना है ना तो मैं क्या करूँगा, लेट और रिस्पॉन्स करके मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर फ़िलहाल मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग रखा हुआ है। अब मैंने जो भी मेरा जो जनरेट किया हुआ जुमला होगा वो मैं इस रिस्पॉन्स के अंदर रखवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो पहले ये काम मैं इफ एल्स से करता हूँ और फिर इसी काम को हम टर्नरी ऑपरेटर से करके दोनों का फ़र्क समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा जी कि इज़ ओपन अगर है तो क्या करो, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, ट्रू कहाँ से आ जाएगा, इसमें तो सेंटेंस पूरा लिखूंगा ना मैं कि गेट इज ओपन। ठीक है, और गेट इज क्लोज हो गया, बिल्कुल सही हुआ ये काम, ऐसे हो सकता है ये काम। अच्छा, इसी काम को करने का ना एक तरीका और है, यानी इफ एल्स का समझ लें आपको एक अल्टरनेटिव है। अच्छा, ना सिर्फ अल्टरनेटिव है बल्कि कुछ जगहों पे बहुत यूज़फुल रहता है, बहुत यूज़फुल अल्टरनेटिव है, वो है टर्नरी ऑपरेटर। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर में क्या होगा कि वो वैल्यू रिटर्न करता है, तो मैं क्या लिखूंगा, ऐसे करके लिखूंगा और इसमें कंडीशन लगाऊंगा मैं, मैंने कहा इज़ ओपन, ठीक है, कंडीशन वही है इफ एल्स में, जो कंडीशन होती है सेम वही ब्रैकेट है, जो चीज़ इफ एल्स में जो बिहेवियर है सेम बिहेवियर इसका भी है। अच्छा, तो मैं कहूँगा कि इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ ताकि पीछे तक लोगों को दिखे प्रोजेक्टर पे। अच्छा, इज़ ओपन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये ब्रैकेट ऑप्शनल है, वैसे ये जो मैंने ब्रैकेट लगाई है ना ये ऑप्शनल है, लेकिन ये लगा दें तो बेहतर है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क, अच्छा उसके बाद पहली वैल्यू और उसके बाद दूसरी वैल्यू, सही है। अच्छा, तो पहली वैल्यू पे मैंने क्या लिखा हुआ था कि जी गेट इज ओपन, और दूसरी वैल्यू जो है वो गेट इज क्लोज मिसाल के तौर पर, और टर्नरी ऑपरेट और लाइन टर्मिनेटर लगा के ये लाइन ख़त्म क्लोज। अच्छा,
ये टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स हो गया कि जी सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन होगी कोई भी, अगर ब्रैकेट में रख दें तो ठीक है, ब्रैकेट वैसे ऑप्शनल है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा, उसके बाद अगर ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो कंडीशन इसको मिली हुई है अगर ये ट्रू है तो पहली वाली वैल्यू रिटर्न होगी, अगर ये स्टेटमेंट जो इसको सॉरी अगर ये कंडीशन जो यहाँ पे मिली है अगर ये फॉल्स है तो सेकंड वाली वैल्यू रिटर्न होगी, बस इतनी सी बात। अच्छा, वैल्यू रिटर्न होने का मतलब हम सब लोग जानते हैं कि जी ये इतना स्टेटमेंट जो है ना पूरा ये खुद पूरा गायब हो जाएगा और इसकी जगह रिटर्न वैल्यू आ जाएगी, रिटर्न वैल्यू का ये मतलब होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे RESP करके ऐसे इक्वल्स टू लगा दूँ तो ये सेम काम हो गया जो मैंने इफ़ एल्स से किया था, सेम काम हो गया ना। अच्छा, बट इफ एल्स में और इसमें डिफरेंस क्या है कि ये इतना पार्ट जो है ना इसका, ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये खुद गायब हो जाता है और अपनी जगह पे कोई वैल्यू रिटर्न करता है डिपेंडिंग ऑन के जो भी उसको कंडीशन मिली है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। तो इफ एल्स में और इसमें डिफरेंस तो पता चल गया कि यार ये डिफरेंस है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि ये इफ एल्स का एक अल्टरनेटिव है और कुछ एक सर्टन सिचुएशन होती है जहाँ पे ये काफ़ी यूज़फुल रहता है, एक सर्टन सिचुएशन होती है जिसमें ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। अब वो सिचुएशन जो है ना अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आई होप कि आपको वो समझ आ जाए। देखो, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करता है ना टर्नरी ऑपरेटर, तो इसकी वजह से हम इनेबल हो जाते हैं कि हम इसको इन लाइन इस्तेमाल कर लें, हम इसको क्या कर लें, इन लाइन हम इसको इस्तेमाल कर लें। इन लाइन इस्तेमाल करने का क्या मतलब है, इन लाइन इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तीन या चार लाइन का या पांच लाइन का पैराग्राफ है, अब उस पैराग्राफ के दरमियान में कोई एक वर्ड है जो मुझे कंडीशनल चाहिए कि अच्छा जी ओपन या क्लोज, कोई एक वर्ड मुझे ओपन या क्लोज लिखा हुआ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा उतने पार्ट में ना टर्नरी ऑपरेटर लगा दूँगा। वो आप सब लोगों को पता कैसे लगाते हैं, सेंटेंस के बीच में कोई जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल लिखना हो तो हम वो टेम्पलेटिंग करते हैं और लिख देते हैं। अच्छा, तो इस काम को करने का जो बेटर तरीका होता वो ये नहीं है, दिस इज़ नॉट द परफेक्ट वे। अच्छा, हो तो इससे भी रहा था बिल्कुल, बल्कि इसको पहले चला के देख लेते हैं, इसको हम पहले जो है क्या करते हैं चला के देख लेते हैं। एक हाथ से कोड लिखना पड़ रहा है, अभी बैठ जाओ नेक्स्ट क्लास में देख लेना छोड़, क्योंकि अभी थोड़ा सा ही टाइम रह गया हमारे पास। अच्छा, तो पहले इतने कोड को ना चला के जरा देख लेते हैं हम कि इसकी क्या रिपोर्ट है। कॉपी पाथ कहाँ चला गया ये रहा। अच्छा, तो ये गेट इज ओपन लिखा हुआ गया, अगर यहाँ पे इस वेरिएबल में अगर मैं फॉल्स कर दूंगा तो गेट इज़ क्लोज लिखा हुआ आने लग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो होती है डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर वो ट्रू है तो पहली वैल्यू रिटर्न होती है, अदरवाइज दूसरी वैल्यू रिटर्न होती है। ठीक है, अच्छा ये बीच में जो ये कॉलन है, ठीक है ये सेमी कॉलन नहीं है, इसको गौर से देखें वो दो डॉट है, और ये जो लास्ट में लगा हुआ ये सेमी कॉलन है, ये भी ऑप्शनल होता है जावास्क्रिप्ट में, लाइन टर्मिनेटर इसको कह लें आप या सेमी कॉलन, ये भी ऑप्शनल होता है, लगाना चाहें तो लगाएं ना लगाएं तो कोई मसला नहीं होता है। ठीक है, तो अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो गेट इज क्लोज लिखा हुआ आएगा इसमें। ठीक है, गेट इज क्लोज लिखा हुआ गया, तो ये जी इतना तो चल गया, हमें सिंटैक्स इसका परफेक्टली पता चल गया, लेकिन इसको बनाने का सही तरीका ये नहीं है जैसा कि मैंने जिक्र किया। अच्छा, इसको बनाने का जो सही तरीका है ना वो क्या है, ये तो एक स्ट्रिंग है ना, सीधा सीधा स्ट्रिंग है ये, तो मुझे इस स्ट्रिंग के दरमियान में मिसाल के तौर पे कोई जुमला है, लंबा चौड़ा जुमला है, ठीक है, मिसाल के तौर पर We are in office and gate is के बाद open या close मुझे चाहिए, uh,
ठीक है, कोई इतना लंबा जुमला है कि जी अच्छा जी वी आर इन ऑफिस एंड गेट इज, और उसके बाद यहाँ पे होगा क्लोज या ओपन एंड वी विल पंच आवर कार्ड बिफोर, जो भी कोई आगे लंबी बात है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर ना सिर्फ ये वाला पार्ट क्या हो जाए, कंडीशनल हो जाए, क्योंकि अब मैं अगर इस तरीके से इसमें करूँगा ना तो कहानी तो वहीं पहुँच गई। वो इफ़ एल्स से भी कर सक, मैं अभी भी ये काम इफ़ एल्स से कर सकता हूँ कि मैं एक वेरिएबल में पहला पार्ट रखूँगा स्ट्रिंग का, एक वेरिएबल में मैं अगला पार्ट रखूँगा, बीच में मैं ट्रू या फॉल्स रखूँगा, और इफ़ एल्स लगा के उसको मैं ओपन क्लोज करूँगा, फिर तीनों को मैं जोड़ के कॉन्कैटिनेट करके प्रिंट करवाऊँगा, है ना, यही होगा ना इसमें। अगर मैं इफ़ एल्स से ये काम करूँ तो कैसे करूँगा मैं, या तो मैं पूरा छः लाइन का यहाँ पर भी जुमला रखूँ, छः लाइन का यहाँ पर भी जुमला रखूँ, है ना, या तो इफ एल्स के अंदर यहाँ पे पूरा छः लाइन का जुमला दोबारा लिखो, ये तो कोड रिपीटेशन हो गया, ये तो रिपीटेशन तो हमें नहीं चाहिए होता। अच्छा, तो ये मुझे क्या इनेबल कर देता है कि भाई गेट इज के बाद ना ये टेम्पलेटिंग, सब लोगों को पता है कि ई एस सिक्स में ये टेम्पलेटिंग हो जाती है, और इस टेम्पलेटिंग के अंदर मैं कोई भी वेरिएबल लिख सकता हूँ, कुछ वाईफाई में गड़बड़ हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे मैं कोई भी वेरिएबल लिख सकता हूँ, अच्छा कोई भी वेरिएबल की बात नहीं, यहाँ पे मैं कोई भी जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर लगा दूँ और ओपन और क्लोज की कहानी यहाँ पे मैं सेट करा दूँ, ठीक है, अच्छा यहाँ पे पहले तो कोई वेरिएबल लिख के देखते हैं ना। मिसाल के तौर पर मैं वेरिएबल एक बना लेता हूँ यहाँ, ठीक है, लेट नेम इक्वल्स टू, ये हम पहले कर चुके हैं, मतलब मैं नेम के नाम से एक वेरिएबल इसमें मलिक रखा हुआ है, तो मैंने कहा कि अच्छा जी यहाँ पे ना नेम का जो भी वेरिएबल है ना वो यहाँ पे ला के रख दो, सही है। तो क्या होगा, ऐसे लिखा हुआ जाएगा वी आर इन ऑफिस गेट एंड गेट इज मलिक एंड वी विल पंच आवर कार्ड एंड सो ऑन, जो वेरिएबल की जो वैल्यू वो यहाँ आ जाती थी, ऐसा ही होता था ना। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह करके आ गया कि जो वेरिएबल की जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पर आ गई। बट ये इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट की वैल्यू, यहाँ पे कोई भी जावा स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, ठीक है, अच्छा, और जावा स्क्रिप्ट जो यहाँ पे मैं लिखूँगा उस जावा स्क्रिप्ट ने जो भी बात रिटर्न की वो यहाँ पे ऐसे नेम जैसे अभी लिखा वैसे आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में हाथ से लिख दूँ यहाँ से ओपन, है ना, तो ओपन आ जाएगा लिखा हुआ, क्योंकि दिस ओपन जो है ये क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है ये, है ना। शुरू में हमने पढ़ा था कि जी एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर होता है और जस्ट अगर वो डबल कोटेशन में लिखा हुआ तो वो लिटरल होता है, हैं दोनों स्ट्रिंग, हैं दोनों वैलिड। तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल मैंने लिख दिया तो ये एज इट इज़ यहाँ पे उसको समझ लेगा जा, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर, इस ई एस सिक्स के टेम्पलेट के अंदर, ठीक है, ये ई एस सिक्स के अंदर पॉसिबल है, ई एस फाइव में ये टेम्पलेट, अच्छा, और इसके लिए आपको बैकटिक से ये स्ट्रिंग लिखना होता है। अगर आपने ये स्ट्रिंग बैकटिक से नहीं लिखा तो ये काम नहीं करेगा उसके अंदर, ठीक है। तो जी इस टेम्पलेट के अंदर मैंने स्ट्रिंग लिटरल लिख दिया तो ये उसको भी समझेगा, वेरिएबल थोड़ी देर पहले लिखा था उसको भी समझ रहा था। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक अदर टर्नरी ऑपरेटर लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क, और इसमें मैंने कहा कि इज ओपन, ठीक है, अगर इज ओपन है तो यहाँ पे ओपन लिख दो, अदरवाइज यहाँ पे लिख दो क्लोज, हो गया सेट। अब देखो होगा क्या, अब मैं जुमले को ज़रा शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि वो कोड रीडेबल हो जाए, वो मैंने जुमले को लॉन्ग किया था आपको समझाने के लिए, ठीक है, मैं जुमले को वापस से शॉर्ट कर रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, गेट इज तो एज इट इज़ हो गया यहाँ पे, अच्छा उसके बाद जब ये देखेगा ना इतना बड़ा टेम्पलेट लिखा हुआ है तो इस टेम्पलेट के अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट है उसको ये रन करेगा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में क्या है जी, एक अदर टर्नरी ऑपरेटर। अब ये जितना पार्ट मैंने इस वक्त सेलेक्ट किया हुआ है आपकी स्क्रीन पे, इतना पार्ट जो है वो टर्नरी का स्टेटमेंट है। टर्नरी का स्टेटमेंट क्या करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है। क्या होती है वो वैल्यू, अगर तुझे कंडीशन मिली है वो ट्रू है तो पहला वाला पार्ट, और अगर फॉल्स है तो दूसरा वाला पार्ट। हमारे केस में अभी क्या है, फॉल्स है, तो इसका मतलब है दूसरा वाला पार्ट रिटर्न करेगा, तो ये पूरा ऐसे गायब हो जाएगा और इसकी जगह पे क्लोज ऐसे लिखा हुआ जाएगा, है ना। रिटर्न वैल्यू का मतलब यही होता है। तो जुमला क्या बनेगा कि गेट इज क्लोज, ऐसे करके जुमला बनेगा। तो देखते हैं जी ऐसा होता है कि नहीं होता है, चला के देख लेते हैं इसको। रिफ्रेश किया मैंने तो जी गेट इज क्लोज ऐसे लिखा हुआ गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, जाके ऊपर इसको कर दूंगा ट्रू, तो अब गेट इज ओपन लिखा हुआ जाना चाहिए, ठीक है, गेट इज ओपन एंड वी विल पंच आवर कार्ड।
अच्छा जी, इस आसान है सर, ये पता कैसे चलता? क्या चीज़ पता कैसे चलता है? नहीं, ये तो डेटाबेस से कोई वैल्यू आ रही है ना, हमारे पास अभी हमारे केस में डेटाबेस नहीं है अभी, ये डेटाबेस से वैल्यू आ रही है। हाँ, अभी हम उस पर आते हैं। नहीं देखो, आमतौर पे ये मैंने समझाने के लिए एक वैल्यू लिखी है, लेकिन क्योंकि तुमने सवाल पूछा तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। आमतौर पर क्या होता है कि मेरे पास जो भी ऑपरेशन हो रहे होते हैं ना, बच्चों बातें नहीं, इधर ज़रा बहुत आपके दोस्त ने इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा, उसको ज़रा गौर से सुने आप कि उसको क्या जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आपके भी काम की बात है। जब आमतौर पर इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है ना कि भाई गेट को जी इलेक्ट्रॉनिकली ओपन किया गया है, तो मैं जब भी चेक करता हूँ कि वो गेट ओपन है या नहीं है, तो दो तरीके होते हैं, या तो मैं उसको डेटाबेस में सेव करा देता हूँ कि जी अभी मैंने उसको ओपन किया है, ठीक है, और अगर उसको कोई हाथ से क्लोज कर दे अगर, तो गेट दोबारा से, अब ये थोड़ा सा IoT की साइड हो गया, मे बी एक ऐसी एग्जांपल शायद IoT वाली एग्जांपल हो गई है थोड़ी सी ये, ठीक है। IoT बाय द वे पता है आप सब लोगों को क्या होता है? IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे ये पीछे आपके AC पड़ा हुआ है, अब AC जो है ना इंटरनेट थिंग्स का इंटरनेट है, ठीक है। एक तो ह्यूमन का चलाने वाला इंटरनेट होता है ना, हम जाते हैं google.com लिखते हैं, चलाते हैं, कुछ मूवी देख ली, कुछ YouTube देख लिया, ये हम चलाते हैं, ये थिंग्स का इंटरनेट है। ये थिंग्स आपस में कम्युनिकेट करती है, आपस में बातचीत करती है। मिसाल के तौर पर एक दरवाज़ा है, अगर वो IoT पावर्ड है, वो IoT उसमें लगा हुआ है, ठीक है, तो उस दरवाजे के पास इंटरनेट का एक्सेस है, वो दरवाज़ा इंटरनेट को इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो थिंग्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट इंटरनेट है, हमारे केस में तो हमें google.com होता है, थिंग्स के केस में क्या होता है, उनके पास API होती है, वो API कॉल करते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे गेट को किसी ने ओपन किया ना, तो वो API कॉल करेगा और डेटाबेस में अपनी वैल्यू अपडेट करेगा कि मैं ओपन हो गया हूँ, ठीक है। डेटाबेस में कोई इज ओपन होगा, उसको ट्रू कर देगा कि जी मैं ओपन हो गया हूँ, और जब गेट को क्लोज करेगा कोई, तो वो API कॉल करेगा और डेटाबेस में अपडेट कर देगा कि मैं क्लोज हो गया हूँ। अब वो गेट ये काम कैसे करेगा, वो IoT स्पेसिफिक चीज़ है कि वो ये काम कैसे करेगा। लेकिन अब इसका कोई डिफरेंट हम इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं जो IoT से मुतालिक ना हो, थोड़ा मोर लाइक वेब एप्लीकेशन हो। जैसा कि फेसबुक पे एक यूज़र था और वो सस्पेंड हो गया है ना, सब लोग सस्पेंड होते हैं फेसबुक पे किसी ना किसी रीज़न के तहत कभी ना कभी ज़िंदगी में। तो वो एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि वो उस डेटाबेस के अंदर ना उस यूज़र का नाम है, ईमेल है, पासवर्ड है, साथ में लगा हुआ है इज़ एक्टिव ट्रू, ठीक है। तो जब भी आप लॉगिन करते हैं ना, तो उसको चेक करता है कि इज़ एक्टिव ट्रू है, जब भी इसको लॉगिन होने दो, अगर इज़ एक्टिव फॉल्स है तो वो मना कर देता है, लॉगिन नहीं करने देगा, ठीक है। अच्छा, तो वो ट्रू कब होगा और कौन करेगा उसको? मे बी कोई एडमिन होगा फेसबुक का जो कंपनी में बैठा हुआ होगा उनके। अच्छा, वो देखता होगा और वो किसी की भी प्रोफाइल कभी भी वो इनएक्टिव कर सकता है, इज़ एक्टिव को वो कर देगा फॉल्स, समझ रहे हो बात? तो ये वाली जो इज ओपन या इज, ये डेटाबेस से तो आती है वैल्यू, लेकिन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि उसको कौन अपडेट कर रहा है, कैसे अपडेट कर रहा है, ये चीज़ें, लेकिन ये हमेशा मिलेगा मुझे डेटाबेस से, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर इस बंदे की प्रोफाइल मेरे पास डेटाबेस से मैंने पूरी प्रोफाइल उठाई है, तो मैं उसको अगर मुझे बताना चाह रहा हूँ कि यू आर सस्पेंडेड, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि भाई इज़ एक्टिव अगर ट्रू है तो कुछ तो सही है, ओके है सब कुछ। अगर इज़ एक्टिव में फॉल्स है, तो मैं उसको अलर्ट दिखाऊंगा कि यार यू आर सस्पेंडेड, योर अकाउंट इज़ सस्पेंडेड फॉर, अब वो साथ में ये भी आएगा कि कितने दिनों के लिए सस्पेंडेड है, ठीक है। तो आम तौर पे जितनी भी वैल्यूज़ मेरे पास आती हैं, वो डेटाबेस से आती हैं। अच्छा, हमने क्योंकि इस कोर्स में अभी तक डेटाबेस वगैरह तक हम नहीं पहुँचे, हम बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारे ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो ये सारी क्वेरीज आपकी क्लियर होती जाएंगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि पूछना चाहिए, पूछ लिया करो, ताकि मैं आपको ये बताऊं कि अच्छा ये कब पढ़ेंगे हम, मतलब मैं खुद जब पढ़ाई करता हूं तो मुझे ये क्यूरियोसिटी रहती है कि अच्छा ये वाली चीज़ हम कब पढ़ेंगे इस कोर्स में, कितने दिन बाद पढ़ेंगे, तो मुझे फिर सुकून आ जाता है कि अच्छा यार ये एक महीने बाद ये आएगा ऐसा हमारा जब हम ये चीज़ कवर करेंगे। अच्छा, सम टाइम कुछ चीज़ें, जैसे अभी मैंने IoT वाली एग्जाम्पल दे दी, तो IoT इस कोर्स में हम कवर नहीं करेंगे, IoT इस कोर्स का टॉपिक नहीं है। तो जब पूछोगे ना, तो ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा जी इस कोर्स में ये कवर होगा भी या नहीं होगा, ये कोर्स प्योरली वेब डेवलपमेंट का है, तो इसमें वेब की टेक्नोलॉजीज़ को हम डिस्कस करेंगे सारी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इज़ ओपन भी मुझे मिल रहा है डेटाबेस से, और लॉक है या नहीं है वो भी मिल रहा है, और मैंने जुमला कंस्ट्रक्ट करना है मिसाल के तौर पर
कि भाई गेट वो जुमले में बताना है कि जी गेट ओपन है मगर अनलॉक है, या गेट ओपन है लेकिन लॉक्ड है, ठीक है। तो इस तरह करके इसको जुमले को कंस्ट्रक्ट करना है मैंने, लेट इज लॉक्ड फॉल्स, ठीक है। अब मैंने गेट इज ओपन या क्लोज के बाद एंड ऐसे करके लगाना है कि एंड इट इज, यहां पे उसके बाद होगा लॉक्ड या अनलॉक्ड होगा, ठीक है, लॉक्ड या अनलॉक्ड होगा। तो इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, दोबारा से एक टर्नरी ऑपरेटर लगा दूंगा, क्वेश्चन मार्क, अगर इज लॉक्ड आ रहा है यहां पे तो लॉक्ड, अदरवाइज अनलॉक्ड, ठीक है जी। तो ये भी मैंने क्या कर दिया, एक अदद यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया। अब इस टर्नरी ऑपरेटर से क्या होगा कि इट इज़ के बाद ना लॉक या अनलॉक आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन के वो वेरिएबल में इस वक्त क्या है। अच्छा तो अभी क्या आना चाहिए, अभी मेरे वेरिएबल की सिचुएशन ये है, गेट इज़ ओपन एंड इट इज़ अनलॉक्ड, है ना, ये लिखा हुआ आना चाहिए, देखते हैं ऐसा होता है नहीं होता, ठीक है, एंड इज़ अनलॉक्ड, सही है। अच्छा अब मैं गेट को क्लोज करता हूँ, मैंने कहा कि फॉल्स, ठीक है, तो गेट इज क्लोज एंड इट इज अनलॉक्ड, रिफ्रेश किया मैंने, गेट इज क्लोज एंड इज अनलॉक्ड। अच्छा उसके बाद मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ, गेट इज क्लोज एंड इट इज लॉक्ड, सही है। तो पॉइंट बताने का ये था कि अच्छा हमने दो चीज़ें सीख ली, एक तो सिंटैक्स सीख लिया हमने टर्नरी ऑपरेटर का, और ये एग्जांपल कराने का जो पॉइंट था वो ये था कि आया कि इन लाइन इसको हम यूज़ जब करते हैं तो वो कैसे करते हैं, और हम देखो अब इससे ये भी बात समझ आ गई कि जहाँ पे ना हमें इन लाइन इस्तेमाल करना है तो टर्नरी ऑपरेटर वहाँ पे बड़ा हेल्पफुल है, और ना सिर्फ हेल्पफुल है बल्कि यहाँ पे इफ एल्स का काम हो ही नहीं सकता, इफ एल्स, अगर मैं ये काम इफ एल्स से करूँगा ना तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इतने को एक अलग वेरिएबल में डालूंगा, फिर इतने को मैं इफ एल्स करके एक अलग वेरिएबल में डालूंगा, फिर इतने को एक अलग में डालूंगा, फिर इतने को एक अलग वेरिएबल में डालूंगा, तो ये तीन चार अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे मुझे। सर, टर्निंग ऑपरेटर जो जो इफ में लगता है ना वो सब इसमें लग जाता है, हाँ, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर, हाँ, जो जो इसमें होता है सब हो जाता है, चेन स्टेटमेंट ही बन जाती है, लेकिन अब उस उतनी डिटेल में जाने की शायद ज़रूरत नहीं है जी। हाँ तो जैसे इफ़ में लगाते हो ना, देखो मैंने शुरू में इसलिए जिक्र किया था कि ये जो कंडीशन वाला पार्ट है ना, ये बिल्कुल इफ़ का जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसकी तरह है। तो जो जो बातें यहाँ लिखते हो ना वो एज इट इज़ तुमने कंडीशन में लिखनी है, और कंडीशन हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो ऐसे करके, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा है कि जी टर्नरी ऑपरेटर का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, पहला पार्ट ट्रू होने की सूरत में रिटर्न होगा, दूसरा पार्ट फॉल्स होने की सूरत में रिटर्न होगा, ठीक है। अच्छा इसको चेन स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। वेल, चेन स्टेटमेंट बनाने के लिए हम करते क्या हैं कि सेकेंड वाले पार्ट में ना एक वैल्यू रखने के बजाय एक पूरा का पूरा दूसरा टर्नरी ऑपरेटर रख देते हैं, तो इससे ये फिर चेन स्टेटमेंट बन जाती है कि जी अगर तो ट्रू है तो ये ओपन रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स की जगह पे एक पूरा नया टर्नरी ऑपरेटर होता है, पूरा साबित टर्नरी ऑपरेटर जिसमें एक कंडीशन होती है ट्रू एक फॉल्स होता है। तो अच्छा एक कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो अगली को चेक करेगा, फिर अगली नहीं हुई तो ये चेन स्टेटमेंट ऐसे होता है ना, तो इसमें चेन स्टेटमेंट भी बन जाती है, इसमें नेस्टेड इफ भी बन जाता है। नेस्टेड इफ बनाने का भी तरीका सेम है कि जी पहले पार्ट में एक अच्छा जी, तो ये समझ में आ गया सब लोगों के, इसमें किसी का कोई मजीद क्वेश्चन तो नहीं है? सॉरी, ये तो टेम्पलेट मैंने पूरा रिपीट भी कर दिया ना अभी। टेम्पलेट ये होता है कि बैक टिक से लिखना होता है स्ट्रिंग को, ये हमने स्ट्रिंग के टाइम पे डिस्कस किया था अगर मुझे याद पड़ रहा है,
हमने किया है डिस्कस या नहीं किया? अच्छा, तो स्ट्रिंग के अंदर जब हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल जब हम बनाते हैं, कोई स्ट्रिंग लिटरल हम लिख रहे होते हैं, तो ये ES6 में ना एक नया तरीका है स्ट्रिंग को लिखने का, बैकटिक से। ES5 तक में क्या था, डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन था, उससे स्ट्रिंग को लिखा जाता था। ES6 में ये एक नया तरीका इंट्रोड्यूस करवाएगी जो कि बैकटिक है। बैकटिक आपके कीबोर्ड में जो अलिफ मद्दा वाला बटन है ना, एस्केप के नीचे जो बटन है अलिफ मद्दा वाला जिस पे बना हुआ है हाइफन, उस बटन को आप दबाएंगे ना, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो हाइफन आएगा अलिफ मद्दा जो, बगैर शिफ्ट के दबाएंगे तो बैकटिक आएगा। ठीक है, ये सिंगल कोटेशन से डिफरेंट होता है। सिंगल कोटेशन होता है एंटर के पड़ोस में जो बटन है उसमें, डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन एक ही बटन पे, बगैर शिफ्ट के सिंगल कोट है, शिफ्ट के साथ डबल कोट है। ये लेकिन डिफरेंट है, ये कीबोर्ड के दूसरी साइड पर है, लेफ्ट साइड पर, टॉप लेफ्ट के ऊपर है। तो इससे जब आप लिखते हैं ना कोई स्ट्रिंग, तो आपके पास ये फिर एबिलिटी आ जाती है, आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, ये ES6 का स्ट्रिंग कहलाता है। और इसके दरमियान में टेम्पलेटिंग कर सकते हैं आप। टेम्पलेटिंग का मतलब ये है कि स्ट्रिंग पूरा लिख रहे हैं आप, दरमियान में आप कोई जावास्क्रिप्ट इसके लिख सकते हैं, कोई वेरिएबल आप लिख सकते हैं, कोई वेरिएबल आप लिखेंगे तो उसकी वैल्यू को वहाँ पे उसकी जगह पे पिक कर लेता है ये। ठीक है, समझ आ गया इस टेम्पलेट। अच्छा, और किसी का कोई सवाल टर्नरी ऑपरेटर से मुतालिक? जी दोस्त, यही तो किया हमने अभी। नहीं, जब डेटाबेस से मैं मंगवाऊंगा ना वैल्यू, जब मैं डेटाबेस से एक वैल्यू मंगवाऊंगा तो उसमें मुझे या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। हाँ, ये दो अलग अलग वैल्यू है, सही कह रहे हो तुम। अच्छा, अगेन मैं कहूँगा कि अभी तक हमने ना ऑब्जेक्ट एक चीज़ होती है टॉपिक, वो हमने नहीं पढ़ा, तो अभी तक समझने के लिए ये बात सही है तुम्हारी कि अच्छा जी ये दो वैल्यू है ना, तो मैं एक डेटाबेस पे कॉल लगाऊंगा और एक दूसरी कॉल लगाऊंगा, दो कॉल लगा के दोनों को वेरिएबल में ला के रखूंगा और फिर मैं उसके ऊपर कंडीशन चलाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ी देर में ऑब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि दोनों वैल्यू एक साथ स्टोर हो जाती है, तो वो एक साथ ही स्टोर होगी, एक साथ ही आएगी और एक साथ ही वैल्यू जाएगी भी डेटाबेस में, है ना। वो ऑब्जेक्ट में अभी कवर हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगी चीज़। हाँ, लेट ये वाला। हाँ, ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया ना रिस्पॉन्स के नाम से, और इसमें फिलहाल एम्प्टी स्ट्रिंग डाला है, और यहाँ पे मैं प्रोसेस करके ना इसी वेरिएबल में एक दूसरा स्ट्रिंग डालता हूँ टेम्पलेट्स के साथ। ठीक है, और फिर इसी रिस्पॉन्स के नाम का जो वेरिएबल है उसको मैं कंसोल कराता हूँ तो वो प्रिंट होता है, है ना। ये किया मैंने, कहाँ पर ट्रू और फॉल्स? हाँ नहीं, ये तो इफ मैंने करके दिखाया था ना, इसको मैंने रोक दिया। ये वाला यहाँ पे, इसमें कहाँ कमेंट है? टेम्पलेट, हाँ, ये इज ओपन है ना मेरे पास, ऊपर वेरिएबल ये बना हुआ इज ओपन, ये टर्नरी ऑपरेटर है ना। देखो, ये टेम्पलेट है पूरा मेरा, इस टेम्पलेट के अंदर जो जावास्क्रिप्ट है उसको ये एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, तो ये टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा इस वक्त, क्लोज हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अभी क्योंकि ये इज ओपन में क्लोज है ऊपर राइट नाउ, मतलब हाँ इज ओपन में फॉल्स है ना, तो फॉल्स होने की सूरत में पहले वाले को नहीं रिटर्न करता, सेकेंड वाले को करता है। ठीक है, तो ये खुद पूरा ऐसे गायब हो जाएगा और इसकी जगह पे ऐसे क्लोज लिखा हुआ जाएगा, तो एंड रिजल्ट में जो बनेगा ना कि गेट इज क्लोज्ड, और सेकंड वाले में भी इसी तरह करेगा, इसको इवेल्यूएट करेगा और फिर इस रिस्पांस वाले वेरिएबल में उठा के डाल देगा। ठीक है जी, जी क्या मतलब पहले? अच्छा, ये कह रहे हो कि जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अच्छा कंडीशन अगर ट्रू होगी तो पहली वैल्यू रिटर्न करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी वैल्यू रिटर्न करेगा, तो क्या ये हमेशा ऐसे ही होगा? हाँ, ये हमेशा ऐसे ही होगा, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स है ये। जैसे इफ़ में होता है ना कि जी इफ़ ट्रू होगा
तो इफ की बॉडी चलेगी, अगर इफ फॉल्स होगा तो एल्स की बॉडी चलेगी, है ना, इस तरह। तो ऐसे ही इसमें भी ना इसका ये सिंटैक्स है, इसकी एक ग्रामर है कि जी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पहले वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा और कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरे वाले को करेगा। अब वो हाँ एल्स इफ वही उन्होंने बताया ना, चेन स्टेटमेंट बन जाती है, लेकिन वो अभी उसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे उससे। ठीक है, मैंने कहा कि जी टर्नरी ऑपरेटर और साथ में एम डी एन, ठीक है जी, ये मैंने एम डी एन के ऊपर ना टर्नरी ऑपरेटर ओपन किया है। तो ये ना इसका देखिए सिंटैक्स आ गया कि कंडीशन होगा, जैसा कि गोल वाली ब्रैकेट मैंने कहा था ऑप्शनल है, तो देखें यहाँ गोल ब्रैकेट का कोई जिक्र नहीं है, तो ये कंडीशन है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा फिक्स, उसके बाद एक्सप्रेशन इफ ट्रू, कि ट्रू होने की सूरत में जो भी वैल्यू है, उसके बाद कॉलन, कॉलन भी फिक्स है, वो हमेशा लगाना है आपने। अगर कॉलन आपने नहीं लगाया ना, आपने कहा नहीं ये एक ही वैल्यू है, वो कहता नहीं जी मुझे सेकंड वाली चाहिए, मुझे नहीं पता, ठीक है। आप अगर कहेंगे ना कि नहीं जी कंडीशन है और जस्ट ट्रू वाला, तो वो कहेगा नहीं नहीं मुझे फॉल्स वाला भी दो, ये रिक्वायर्ड है ये दोनों, तो कॉलन लगाएंगे आप और फॉल्स वाली एक वैल्यू दे देंगे। तो ये इसका सिंटैक्स है कि भाई पहला वाला ट्रू की सूरत में, दूसरा वाला फॉल्स की सूरत में। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे देखते हैं क्या है।